नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज हमारे व्यूअर के लिए क्या स्पेशल लेके आए हैं आप? सर आज क्या है, कपड़ा बेचने के लिए नहीं आया हूँ, समझाने की व्यापार क्यों करना चाहिए, कपड़े के व्यापार के फायदे नुकसान। हाँ जी, क्या कुछ है थोड़ा सा वो सिस्टम कस्टमर को बताने आए हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी ऐसे अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, हमारी बहने भाई चाहते हैं और कुछ कंफ्यूज भी हैं कि आए ना आए। आए बिल्कुल, हमें कुछ फायदा होगा या कुछ नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, वो सारे सवाल कस्टमर के कोई भी आदमी के दिमाग में आते ही आता ही आता। जी जी जी। तो सबसे पहले शुरुआत में यही कहना चाहूंगा, जैसे कपड़े का व्यापार अपन करते हैं, अपने बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ जी। सूट, साड़ी, कुर्ती, दुपट्टे सब तरह की वैरायटी में डील करते हैं। हाँ जी सर। दिल्ली चांदनी चौक में शॉप है जी। प्योर मैन्युफैक्चरर है, हर तरह की वैरायटी मैन्युफैक्चरर करते हैं अपने। जी जी। खुद की मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें होती है। हाँ जी सर। अब कस्टमर पूछता है सर कपड़े का काम में व्यापार में नुकसान है फायदा है, ये चीज की बात पे आते हैं। जी जी जी। तो यही कहना चाहूंगा सर, कोई भी काम कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, हाँ जी, फायदे नुकसान सबके होते हैं, लेकिन कपड़े का व्यापार ऐसा है जिसमें नुकसान बहुत कम है, ना के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज है जो इंसान की जरूरत है। हाँ जी। आज नहीं तो कल उसको चाहिए ही चाहिए। चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। तो वो अगर आप किसी की पूरी करते हैं तो मतलब आप सही दिशा पे सही ट्रैक पर चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और बहुत कम लागत लगाकर आप ये कपड़े का काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। कोई जैसे आप मान लो आज आपने कपड़ा खरीदा मेरे से। हाँ जी हाँ। भाई आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कपड़ा नहीं बेच पाए, एक महीने बाद भी बेचने जाओगे तो आराम से कपड़े को बेच सकते हैं। बेच सकते, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, गल जाएगा, छट जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। जी जी जी। और हमने पॉलिसी भी ऐसी बना रखी है 3 महीने की एक्सचेंज पॉलिसी। हाँ जी हाँ। भाई आज हमसे कस्टमर कपड़ा लेकर गया जी, कोई सेट वाइज उसकी चीज नहीं चलती है। मान लीजिए ये सेट है। हाँ जी। मेरे से ये सेट लेकर गया, कस्टमर बोलता है सर 3 महीने के अंदर अंदर मेरा ये सेट चला नहीं। जी जी। मेरे यहाँ पर डाल जाए। हाँ जी। वापसी कुछ और ले जाए, इसके अलावा बिल्कुल कुछ भी लेके जा सकता है। जी तो जी। कस्टमर को क्या है, ये नहीं कि हम सिर्फ माल बेच के छुट्टी हो जाते हैं। नहीं जी। आज के टाइम पर कपड़े की दुकानें हजारों हैं, चाहे वो दिल्ली है, सूरत है या अहमदाबाद है, कहीं भी है। कस्टमर मेरे पास क्यों आएगा, वो भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर को हर तरीके से सर्विस देते हैं जी। बिल्कुल, मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी आप पूरा देते हैं जी, एंड तक पूरा वो करते हैं। और हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड है, अगर 100 कस्टमर मेरे यहाँ से माल लेके जा रहे हैं, 80 कस्टमर मेरे पास वापसी रिपीट कपड़ा लेने आते हैं। जी, जी। वो 20 क्यों छूटते हैं पीछे, उसका भी कारण बताता हूँ आपको। हाँ जी। 20 इसलिए छूटते हैं, उसमें से 15 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको क्या मार्जिन पे बेचना है। जी जी, जी। कोई कस्टमर मेरे से मान लो ये 220 रुपए का सूट है। हाँ जी। कहेगा मैं 500 रुपए का बेच दूंगा जी, वो पॉसिबल नहीं। 500 रुपए का पॉसिबल नहीं है। नहीं 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 भाई, 80 कस्टमर मेरी सुन रहे हैं कि इन रेटों में कपड़ा बेचना बिक जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं मैं 500 का ही बेचूंगा, मेरा अच्छा इलाका है, वहाँ ले जाते हैं। हाँ जी। नहीं बिकेगा फिर दुकानदार को ब्लेम देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पर्पज नहीं होता है। 5 कस्टमर वो होते हैं सर जिन्होंने काम बंद कर दिया, घर में कोई दिक्कत परेशानी कुछ आ गया है, जिस वजह से वो आगे काम नहीं कर पाते। कोशिश ये रहती है एज अ काम देनु टेक्सटाइल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, हर तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। हाँ जी सर। भाई आज के टाइम पे ऊपर वाला भगवान भी आ जाएगा, सबको खुश नहीं कर सकता जी। अब उसके बाद बात ये आते हैं जी, कस्टमर ये कहता है सर कि हमारा काम कामयाब होगा या नहीं होगा। हाँ जी सर, एक चीज समझा देता हूँ, कोई भी काम कर रहे हो जी, जब तक पूरा मन लगा के पूरे दिल लगाकर अगर काम नहीं करोगे ना, कुछ कामयाब नहीं होगा। नहीं होगा जी। और मैं ये कह रहा हूँ आप काम करके देखो जी, बिजनेस एक ऐसी चीज है जॉब से लाख गुना बेहतर है। जी जी जी। और काम करके देखो, इतना मिलेगा पैसा आप गिनते गिनते थक जाओगे, मेरी गारंटी है। हाँ जी। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, हाँ हम भी मान लो आज इस लेवल पर है, इस प्लेटफॉर्म पर है जी, डायरेक्टली तो यहाँ नहीं पहुँचे, पहले छोटी सी दुकान थी जी, जी जी वहाँ से शुरुआत करी थी। तो कहने का मतलब अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे जैसा अगर आदमी कर सकता है तो कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है जी। 12वीं फेल थे सर जी, कुछ नहीं आता, मतलब रॉ है, बिल्कुल रॉ थे। हाँ जी। तो धीरे धीरे सीख सीख के धीरे धीरे इस पोजीशन पर पहुंचे हैं जी। कोई भी कहीं भी छोटे कस्बे में बैठा है, 12वीं फेल है, 10वीं फेल है जी, जी कोई जी। लड़का है, कोई नौजवान है, कोई बूढ़ा है, इस कपड़े काम को कर सकता है। हाँ जी सर। फायदा नुकसान कुछ भी टेंशन मत लो, अगर भाई कोई भी अगर चल रहे हो सड़क पे चल रहे हो, नुकसान तो उसमें भी है, रिस्क उसमें भी है। जी 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 जी। भाई एक्सीडेंट हो गया तो जी, बिल्कुल मेरे को कोई ठोकर मार गया तो। हाँ जी, हाँ जी। कपड़ा काम व्यापार का भी वही है। हाँ जी। अब कई लोग पूछते हैं सर जॉब में फायदा है नौकरी में फायदा है। हाँ जी। सर जॉब में आप 20-25-30-50 हजार कमा लोगे महीने का, लिमिट है 50 हजार, आप किसी एक ऐसे आदमी के लिए काम कर रहे हो जो महीने का करोड़ों रुपए कमा रहा है। हाँ जी हाँ जी। बिजनेस एक ऐसी चीज है आज के टाइम पे, एक साल के अंदर अंदर आप करोड़ों का व्यापार सेटअप कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जॉब आप किसी और के लिए कर रहे हो, बिजनेस आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद के बलबूते पे कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली कर रहे हो। हाँ जी। जॉब में आप सामने वाले की 10 गाली भी सुनोगे जी, तो ये समझ के चले कोई भी जो नौकरी वाला कहता है सर आज ये समझ लीजिए 90% दुनिया नौकरी करके खुश है। हाँ जी। क्यों, उन्हें कमाना है 20 हजार रुपए जी। हाँ जी। अगर किसी को 20-30 हजार 50 हजार कमाना है वो वहीं बैठे। हाँ। जॉब में बिजनेस में ना आए। जी जी जी। मैं ये कहना चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी। तो किसी को भी अगर व्यापार करना है जी, आइए काम देनु टेक्सटाइल पर, सारी चीजें बताई जाती है यहाँ पर, सेलमैन हमारे सारे अटेंड करते हैं जी।
किन रेटों पे क्या कपड़ा किस एरिया में बेचना है वो भी सारी समझाई जाती है। अब मान लीजिए आ रहे हैं दिल्ली से आया कस्टमर, अच्छे साउथ इलाके से है, जी जी। अच्छी वैरायटी उसको दिखाई जाएगी। यूपी बिहार से आ रहा है उसको देहाती टेस्ट भी दिखाया जाएगा, फैंसी जरी वाला टेस्ट भी दिखाया जाएगा, साउथ से आएगा तो कॉटन का कपड़ा दिखाया जाएगा। जी जी, ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट यहाँ पर मिलता है। सूट हो गए थान वाले सूट, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट, साड़ी हो गई, सब तरह की साड़ीज मिलती है। सिल्क साड़ी हो गई, बनारसी साड़ी, कॉटन साड़ी, हाँ जी, और शिफॉन प्रिंटेड साड़ी, सब तरह की साड़ीज मिल जाती है। जी सर, एंड में यही कहना चाहूंगा, कपड़ा बेचने नहीं बैठा हूँ, सीधी ये बोल रहा हूँ बात। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको मन में लगन है कुछ करने की तो व्यापार जरूर स्टार्ट करें, बहुत मुनाफा मिलेगा जी। बिल्कुल, आगे त्योहारों का सीजन है, और कभी भी किसी टाइम काम स्टार्ट करो, साल के 365 दिन कभी भी मुनाफे मिलेगा, जब तक आपके मन में ठान लो ये काम करना ही करना है। हाँ जी सर, जब ये ठान लोगे कभी जिंदगी में नाकामयाब नहीं होगी, लिखवा के ले लो मेरे से। जी जी, कहीं भी आप पढ़ते होगे, पढ़ी लिखी भाषा तो सारी वैसी चलती है। हाँ जी, लेकिन एक रियल लाइफ आप बिजनेस में उतर के देखो, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल जी, जॉब भूल जाओगे, सब चीजें भूल जाओगे। मैं ये कहता हूँ पहले 2 महीने जॉब मत छोड़ो, साइड बाय साइड अपने हाउस वाइफ को, बेटर हाफ को एक बिजनेस स्टार्ट करवाओ। बिल्कुल, जरूर आपको मुनाफा होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जी सर, बस सच्चे मन से, सच्ची लगन से लिमिटेड प्रॉफिट पर पहले स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी। आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। जी जी, तो बस देखते रहिए, कामधेनु टेक्सटाइल के साथ बने रहिए, आगे और भी वैरायटी वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।